छोटा सा बच्चा जब माँ का दूध पीता है, पीने के बाद में उसे कहा जाता है माँ को कि उसको सीधा बिठाओ और पीठ को थपथपाओ जिससे गैस बाहर निकले, डकारा है बच्चे को, ना आएगी तो क्या होगा, फिर बच्चे को लिटाओगे फिर वो उल्टी करेगा क्योंकि गैस पेट में भरी है, दूध की उल्टी करते हैं बच्चे, इसलिए जब ऐसा करते हैं तो उल्टियाँ नहीं होती, हवा निकल जाती है। और फिर बच्चों में देखा है छोटे छोटे कि पीछे से गुदा द्वार से भी गैस निकलती रहती है, तो ये गैस तो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तभी नुकसान होता है। क्यों बनती है गैस? एक तो खाना खाते खाते हम हवा मुंह में ले रहे हैं जो बच्चा लेता है तो गैस बनती है, इसलिए हम कहते हैं खाना खाते वक्त बातें मत करो, बातें करते हैं मुंह खुला रहता है, बार बार मुंह खोल खोल कर बातें होती तो गैस ज़्यादा पेट में जाती है, मौन रख के खाया करो, बोलो मत, बासी खाना गैस पैदा करता है, बहुत ज़्यादा तीखा बहुत ज़्यादा चटपटा खाना गैस ज़्यादा करता है। ये जो हमारी जीवन शैली हो गई है आजकल, काम में ऐसे बिजी हैं व्यस्त हैं कि खाने का भी समय नहीं है, और जब खाने का समय मिला तो ज़्यादा खा लिया, गैस होगी ही होगी। इरिटेबल बॉवेल, पेट की जो तकलीफ है जहाँ खाना खाते से संडास जाना पड़ता है, गैसेस उन लोगों में ज़्यादा होती है। सूखा सूखा जब आदमी खाना खाता है ना, एकदम लुखा खाना जहाँ तरल कुछ नहीं है, वो खाना फिर पेट में जाके इतना सा हो जाता है, पेट खाली रहता है, गैसेस भर जाती है। इसलिए हर भोजन के साथ में ग्लास भर के कुछ पीने को चाहिए ही चाहिए। तो जब ये गैस की बात आती है, मुझे याद है मैं हम बैठे हैं लेक्चर दे रहे हैं और किसी ने ज़ोर से गैस निकाली, अब आवाज़ आई, सारे लोग हंसने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत इतना भर जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सवाल है कि बहुतों की गलत आदत होती है कि ज़रा महसूस हो कि गैस नीचे आ गई तो ज़ोर से निकालते हैं और ज़ोर से आवाज़ करते हैं, बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गैस को पकड़ के रखना है, जब आप चलोगे तब अपने आप गैस निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा किसको गैस होती है पता है? जो बैठे बैठे सोचते रहते हैं। अंदाज है आपको कि बैठा लूँ जीवन, बैठे बैठे काम करना, बैठे बैठे सोचना, सबसे ज़्यादा गैस होगी। दिमाग जितना चलाओगे शरीर कम चलाओगे, गैस होगी ही होगी। दिन में 20 बार भी अगर गैस निकलती है तो वो गलत नहीं है, 20 बार, और उससे ज़्यादा हो और वो भी आवाज़ करके और कभी कभी बासी यानी जिसमें बहुत ही दुर्गंध आ रही हो, वो तो साफ बताती है कि पेट खराब है। अमुक गलत धारणाएं हैं जो मैं बता दूं। एक तो कि लोगों को लगता है ज़्यादा पानी पियो तो गैस होगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी प्यास लगे तभी पानी पीजिए, और मैंने बताया है सवेरे रात को गर्म पानी थोड़ा पीना है, खाने के आधा घंटा पहले पीना है, तो बने आज तक ज़्यादा प्यास लगेगी भी नहीं। लेकिन यूं ही पानी मत पीजिए, ज़्यादा पानी नुकसान करता है। दूसरी गलत धारणा है कि जब भी लगे गैस आ रही है तो ज़ोर लगा कर निकालना, बिल्कुल नहीं, गैस निकल जाएगी, गैस अंदर ही मैनेज हो जाएगी। देखिए ना, गैस जब बहुत हो जाती है तो क्या होता है, आपने देखा है ना, पेट एकदम कड़क हो जाता है, आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, दुखता है पेट, और खट्टी डकारें आती है, बहुत अनइजी फील होता है, और साथ साथ में अकड़ जाता है पूरा शरीर। बहुत ज़रूरी है ये सब कभी ना हो, और इसीलिए ध्यान दें कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं जिससे गैस ना हो। अमुक आसन है जो आपको करने ही चाहिए अपने नियमित रूप से, मकर आसन। हस्तपद अंगुष्ठासन, बालासन करें, वज्रासन की पोजीशन में, पद्मासन, शलभासन,
पवन मुक्तासन। योग की ऐसी टेक्निक्स है, एक तो है लेटकर प्राणायाम नंबर 4, शून्य, तो अगर आपने समझ लिया होगा गैस पर तो कंट्रोल हो ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल करना है अपनी जीवन शैली पर। ये सब सुनने के बाद अगर कुछ भी प्रश्न दिमाग में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब दे देंगे। आसान है, सिर्फ ध्यान से जीवन जीना है। नमस्कार।